अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो मैंने बेकऑफ से की है। वैसे तो मैं बेकऑफ से काफ़ी दफ़ा चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस पार्सल में क्या है। मंगाए हैं, ये 6 इंच का है, ये 7 इंच का है, ये 8 इंच का है। ये देखें, इसके ऊपर आपको अगर प्राइस लिखी हुई नज़र आ रही हो, ये 375 का है। ये अगर आप देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ 330 प्राइस है इसकी, और 6 इंच वाले के ऊपर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, ये एक स्क्रैपर मैंने मंगाया है, और अगर इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसकी प्राइस है, ठीक है, आपको नज़र आ रही ही होगी। अच्छा जी, ये एक आपको पता ही होगा कि ये क्या होता है, ये एक मैट होता है, साइज़ ये स्मॉल है, और ये इसकी प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। वैसे ये 512 का आई थिंक मिला है, क्योंकि ये उस वक्त सेल लगी हुई थी। किसी भी पैन को ऑयल से ग्रीस करना हो तो ये उसके लिए होता है। मैंने जो है ना वो ये वाला मंगाया था आई थिंक, पर ये इन्होंने टेढ़ा वाला भेज दिया। चलिए, हो जाता है ऐसे कभी ऑनलाइन। अच्छा, इसके अलावा ये क्या है, ओह ये तो बच्चों का बहुत ही फेवरेट है, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी पैकिंग की हुई है। चोको हेज, ठीक है, प्राइस इसके ऊपर जो है वो मेंशन नहीं है सामने। इसको बजाने में बड़ा मज़ा आता है, किस किस को मज़ा आता है, किस किस ने इसको बजाया हुआ है बचपन में। अच्छा जी, ये देख लेते हैं, ये है केक को सोक करने वाली बोतल, और इसकी प्राइस आप जो है वो देख सकते हैं, 375। अच्छा जी, एक ये स्पैचुला सेट मैंने मंगाया है, ये इसकी प्राइस है, अगर आपको नज़र आ रही हो, 450 का है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे मैंने क्या मंगाया है जी, ये आगे मैंने मंगाया है, अच्छा, ओवन थर्मामीटर की बहुत दफ़ा ज़रूरत पड़ती है जब आपको टेम्परेचर आपसे मैनेज ना हो रहा हो। तो ये मैंने एक ओवन थर्मामीटर मंगाया है, और ये इसकी प्राइस मेंशन है इधर तो 850 लिखी हुई है, लेकिन आई थिंक सो ये 600 समथिंग में कुछ था, कम था, क्योंकि ये सेल में था। और ये डॉक चॉकलेट है एज यूजुअल, कुकिंग चॉकलेट है, ठीक है। चलिए, और जो है ये है एक पिज़्ज़ा कटर मैंने मंगाया है, कभी आपको इधर से दिखाते हैं, पिज़्ज़ा कटर मंगाया है, और इसकी प्राइस जो है वो है 225। ये सारी प्राइसेस जो है ना वो इनकी तो वैसे ही लगी हुई हैं, लेकिन ये आई सेल में है। पाई टार्ट के लिए होता है, ये मंगाया है मैंने, ये आई थी 5 इंच का है, और 150 इसकी प्राइस है। इसको कहते हैं पैन रिलीजिंग एजेंट, ठीक है, ये पैन रिलीजिंग एजेंट है, ये बहुत काम की चीज़ है। आप जब ये लगाते हैं किसी पैन में तो आपको बटर पेपर या उसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती, इससे इजीली आपका केक जो है वो बाहर आ जाता है। आमतौर पे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बटर पेपर लगाने में, लेकिन कई ऐसे मोल्ड होते हैं जो मैं आगे आपको एक यूज़ करके दिखाऊंगी इसको इंशाल्लाह। तो इसकी क्या प्राइस है, इसकी प्राइस है 225, और ये 180 ग्राम की बोतल होती है, ठीक है। ये मैंने कुछ अच्छा इसमें एक और चीज़ की है, ये क्या है, अच्छा ये चलो मैं खोल के दिखा देती हूँ, ये है जी चॉकलेट एसेंस, देखो उस वालों का, और इसकी क्या प्राइस है, ये देखें, ये 240 इसकी प्राइस जो है वो लिखी हुई है। अच्छा, ये उसके बाद सांचे हैं, ये ब्रेड मोल्ड के लिए या टी केक के लिए होते हैं, मैं इनकी प्राइस देख रही हूँ, अगर कहीं ये लिखी हुई हो तो कहीं नहीं लिखी हुई, ठीक है। ये 7 इंच के दो हैं और 8 इंच के दो हैं, बाज़ात आप एक ही दफ़ा बैटर बना के तो दो सेम साइज के सांचों में बना सकते हैं। और इसके अलावा ये है जी यूनिपफ,
जो पफ पेस्ट्री में यूज़ होता है। मैं जिधर रहती हूँ, मे भी मैंने जिधर से पता किया है एक दो जगह से, मुझे तो नहीं मिला। तो जब मैं चीज़ कभी मंगवाती हूँ देखो से चीज़ें, तो फिर मैं ये भी मंगवा लेती हूँ, ये इजी रहता है। एक ही चीज़ रह गई है, ये आखिरी चीज़ है। ये है तकरीबन कहें कि 12 इंच के ये केक बोर्ड्स हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।